पहले आपको किसी बोतल की कैप ले लेनी है और उसके अंदर एक छेद कर देना है, और फिर किसी साइकिल का वो लेना है। ये आपको पंचर की दुकान में आसानी से 10 रुपये में मिल जाएगा, और इसका नट भी ले लेना है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको एडजस्ट कर देंगे। तो पहले इस वॉल का नट खोल लेते हैं। मैंने नट खोल लिया है, और अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस नट को इस छेद के अंदर डाल देंगे। और ये आसानी से नहीं डलेगा, तो कृपया इसे आराम से करें। देखिए आसानी से नहीं डल पा रहा है। अब देखिए मैंने डाल दिया है, और इस नट को होल्ड टाइट कर दीजिए। अब देखिए मैं इसे फुल टाइट कर रहा हूँ ताकि हमारी जो हवा बहे वो लीकेज ना हो। तो चलिए हम इसे फुल कस देते हैं। अब देखिए मैंने इसे फुल टाइट कर दिया है, अभी इस तरह फुल टाइट कर दें इसे, और आप देख सकते हैं ये अब कैसे दिखाई दे रहा है। हमको छोड़ा बहुत भी इसे ढीला नहीं छोड़ना है, फुल टाइट कर देना है। अब आपको सिंपली एक बोतल ले लेनी है। मैंने ये सिंपल सी बोतल ले ली। अब आपको सिंपली इस बोतल में आधी पानी की भर लेनी है। देखिए मैंने इसको आधा भर लिया है, और अब ये जो हमने वॉल बनाया था ये वॉल कैप आपको इसके अंदर लगा देना। सिंपली हमने इस बोतल के ऊपर ये कैप लगा लेना है, और ये देखिए मैं लगा रहा हूँ। अब आपको सिंपली इस पंप की नोजल को हमारी बोतल के वाल के अंदर डाल देना है, और फिर इसको फुल एयर डाल देनी है। कम से कम 10 या 15 पंप आपको इसके अंदर डाल देना है, और फिर हम इसको ट्राई करते हैं। तो चलिए अब हम इसे ट्राई करते हैं। Gracias.